हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम कितना है 16, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। आपको बताना है कि सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से अपन किया जाए। तो यहाँ पर आपको बोला गया दो पॉजिटिव नंबर का सम है 16, तो यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर कौन से हैं ये नहीं पता है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स एंड वाई। इस तरीके से मैंने पॉजिटिव नंबर को क्या मान लिया, एक्स एंड वाई। अब बोला गया सम इज 16, इट मीन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये आपको क्या है, गिवन है। अब आपको बोला गया है एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, हुज क्यूब मतलब सम ऑफ हुज क्यूब मतलब सम करना है उनके क्यूब का, इसको आपको क्या बताना है, मिनिमम बताना है। ओके, तो यहां पर आपको पता है कि किस तरीके से इसको मिनिमम बताना है। जिस भी फंक्शन को मिनिमम बताना होता है उसे आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो मान लीजिए मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं 16 माइनस एक्स, और बोल दूंगा दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहां पर y की वैल्यू को मैं पुट अप करूंगा तो x इक्वल टू हुआ एक्स क्यूब प्लस y जो है वो है 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। इस तरीके से मैंने करा। अब मान लीजिए मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो एक्स इक्वल टू हुआ एस इक्वल टू हुआ एक्स क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अभी नहीं लगाते हैं, अपन ऐसा करते हैं यहां पर, नहीं तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी यहां पर सबसे पहले इसका एच डैश एस फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखिए एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब यदि मेरे को इसको जीरो से इक्वेट करना होगा तो यहां पर सबसे पहले इससे सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहीं पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, यहां पर मैं देखा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 216 जा 32x। इस तरीके से मैंने स्प्लिट सिंपलीफाई कर रहा हूं। तो मैंने देखा एच डे एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे देखा 3 6 18 का 8 1, 3 5 16 का 6 1, 3 2 6 1 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6 3 3 9x। इस तरीके से स्प्लिट कर रहा हूं। तो मैंने देखा यहाँ पर किस यहाँ पर इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसे किस तरीके से अब किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर आपने y की वैल्यू पुट कर दी, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, पर यहां पर x का जो डिफरेंशिएट होगा ना माइनस 1 भी लिख दीजिए, तो यहां पर जो रहेगा ना माइनस आएगा, तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, और यहां पे माइनस की जगह प्लस होगा। ओके, तो इस तरीके से ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसल आउट, तो एच डैश जो आया है वो आया है -768 प्लस 96x, आपका फाइंड आउट हुआ है। अब क्या करना होगा, इस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस एच डैश को आपको क्या करना होगा, जीरो से इक्वेट। तो यहां पर -768 प्लस 96x इज इक्वल टू 0, इट मीन 96x इज इक्वल टू पॉजिटिव 768। तो मीन्स एक्स की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है तो 768 अपॉन 96, तो 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18। ओके, तो इस तरीके से आपको करना होगा यहां पर कि आप बोल सकते हैं यहां पर देखिए 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8 दिस बोल दिया, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, फिर आप बोलते हैं 2 2 4, 2 4 8, फिर देखिए 2 9 18, 2 6 12, 2 12 और 12 8 96। तो x जो आया वो कितना आया, 8 आया, मतलब ये आपका क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब इससे आपका मिनिमाइज या मैक्सिमाइज चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, एच डे जो उसका एच डबल डैश फाइंड आउट करना होगा। तो 768 का 0 और प्लस 96 का जो आपका आएगा वो आपका कितना आएगा, 96। तो मतलब एच डबल डैश आपने देखा वो ग्रेटर देन जीरो आया है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब जो x इक्वल टू 8 जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा।
क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और आपको मिनिमम के लिए ही सॉल्व करना है, तो मिनिमम बता दिया गया, तो x इक्वल टू 8 जो है वो क्या करना होगा आपको, आपका मिनिमम पॉइंट रहेगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 8 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो सम ऑफ, यहां पर आप बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 8 सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम, मिनिमम इस तरीके से आपको बोलना होगा। अब यदि x आ चुका तो y भी फाइंड आउट कर लीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो y जो रहेगा वो हो जाए वो है 16 - x, तो y भी x की जगह पे 8 पुट करेंगे तो y भी कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे टू पॉजिटिव नंबर्स आर 8 एंड 8। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होगा। ओके, सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।